वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Xiaomi की तरफ से आने वाला इनका MI Smart Band 3i का जो है अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करने वाले हैं। क्विक रिव्यू का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिटेल में बात करने के लिए इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा हैवी नहीं है, इसलिए क्विक रिव्यू करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हैं झा टेक्नो। और हाँ, इसका जो है ना गिव अवे भी कर रहा हूं मैं अपने इस वीडियो के अंदर में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे इसको जीत सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बॉक्स को जो है हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि डब्बे के अंदर में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो ये रहा हमारे सामने में Xiaomi की तरफ से आने वाला MI Smart Band 3i का जो है बॉक्स। और यहाँ पे सामने की साइड में आपको जो है काफ़ी बड़ी इसकी जो फोटोग्राफ है वो देखने को मिल जाएगा। वहीं पे साथ के साथ में थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में बताए गए हैं, जैसे स्लीप मॉनिटर के बारे में बताया गया है, कॉल एंड नोटिफिकेशन अलर्ट के बारे में बताया गया है। वहीं पे अप टू 50 मीटर तक का वाटर सर्टिफिकेशन मिल जाता है, साथ के साथ में आपको AMOLED टच स्क्रीन के साथ आ जाता है। वहीं पर राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में थोड़े बहुत फीचर और बताए गए हैं, जैसे आपका बैटरी कैपेसिटी बताया गया है, 110 mAh की बैटरी दी गई है इसके अंदर में। वहीं पर कंपेटिबिलिटी बताई गई कि यह आपका एंड्रॉयड 4.4 और iOS 9.0 तक या उससे अबव आपका सपोर्ट करेगा। वहीं पर जो है वायरलेस कनेक्शन के बारे में बताया गया जो कि ब्लूटूथ 4.2 का जो है इसके अंदर में यूज किया गया है। वहीं पे बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे बैक साइड में जो है आपको यहाँ पे इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में बताया गया है, साथ के साथ में MRP दी गई है जो कि 1599 का यहाँ पे मेंशन है, बट ये आपको 1299 के प्राइस पॉइंट पे जो है आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है हम फटाफट जो है अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ से मैं इसके सील को कर देता हूँ कट और फिर देखते हैं इसको ओपन करके कि क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो आ जाता है आपका यूज़र मैनुअल, जिसे आप ओपन करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप अपने स्मार्ट बैंड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। साथ के साथ में आपको एक चार्जिंग केबल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप अपने स्मार्ट बैंड को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और वहीं पे तीसरा जो प्रोडक्ट आ जाता है वो आपका आ जाता है आपका स्मार्ट बैंड। बस आपको बॉक्स के अंदर में यही तीनों चीज़ देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लुक्स और इसके डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से इसके अंदर में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर देखने को मिलेगा, वो है ब्लैक। कोई और कंपनी ने ऑप्शन दिया ही नहीं है, बट फिर भी जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी प्रीमियम कलर दिखता है। आप अपने कलाइयों पर इसे बांधते हैं तो काफ़ी मतलब कि अच्छा लुक आपको ये प्रोवाइड कराता है। वहीं पर अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिपिकल MI का ही जो इनका स्मार्ट बैंड 3 है उसके जैसा आपको सेम टू सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला बैंड। तो लुक्स और डिज़ाइन जो है इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए, 1299 को देखते हुए, मुझे लगता है कि ठीक ठाक, ये कोई ज़्यादा बेकार नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी का। तो यहाँ पे अगर मैं इसके स्ट्रैप की बात करूँ तो यहाँ पे एक TUP करके मटेरियल आता है, एक रबराइज्ड मटेरियल है, उस टाइप का मटेरियल है। तो काफ़ी जो है मतलब चीप नहीं लगता ये जो स्ट्रैप है, काफ़ी जो है अच्छा यहाँ पे आपको फील कराता है और बिल्ड क्वालिटी भी इस टाइप की काफ़ी अच्छी है। वहीं पर अगर मैं इसके डायल की बात करूँ तो डायल जो है आपको टोटली जो है प्लास्टिक का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और वहाँ पे प्लास्टिक भी जो है आपको चीप नहीं मिलता, काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी का प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे सामने की साइड देखेंगे तो कंपनी ने आपको जो है डिस्प्ले जो है वो 0.78 इंचेस का जो है आपका AMOLED टच स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा है, मीन्स प्राइसिंग को देखते हुए काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जो है इसकी कंट्रोल्स के बारे में, इसके फीचर्स वगैरह के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इनका एक एप्लीकेशन आता है MI Fit का, ये आपको अपने स्मार्टफोन में जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसको अपने स्मार्ट बैंड के साथ में जो है आपको पेयर करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, तो ये आपका होम स्क्रीन पर आ जाता है, जहाँ पर आपको पूरे दिन भर में आपने कितने स्टेप्स वगैरह लिए हैं उसका जो है स्कोर आपको दिखा देगा। साथ में आपका जो स्लीप है वो कैसा था उसके बारे में आपको दिखाएगा। यहाँ पर जैसे मैं टैप करता हूँ तो आपको बता देगा कि आपका स्लीप स्कोर कितना है, वहीं पे कब आप गहरी नींद में थे, कब आप हल्की नींद के अंदर में थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डाटा दिखा देगा। तो बैक करते हैं, बैक में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, रनिंग का मिलता है, साइकिलिंग का मिलता है, बट यहाँ पे इन तीनों को जो है आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर साइकिलिंग का रनिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको इस आपके बैंड के अंदर में नहीं दिया है, तो आपको वो डाटा नहीं दिखाएगा।
वहीं पे अगर मैं प्रोफाइल के अंदर में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप अपना गोल जो है वो सेट कर सकते हैं डे के अकॉर्डिंगली। वहीं पे फ्रेंड्स वगैरह को जो है इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं आप। बिहेवियर टैगिंग दिया गया है, बाकी जो है ऐड अकाउंट वगैरह दिया गया है, सेटिंग्स वगैरह दिया गया, और स्मार्ट एनालिसिस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे एक बार इसको और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक दूसरा स्क्रीन खुल के आ जाता है, जहाँ पे आपको बताएगा कि आपका बैटरी लेवल कितना है आपके स्मार्ट बैंड का। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जो है 55% दिखा रहा है मेरे केस में। मैं ऑलरेडी इसको 6 से 7 दिन कंटिन्यूसली इसको यूज करते हुए हो गया है और मैंने एक बार भी इसको चार्ज नहीं किया है, तब भी 55% दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं पे आपको जो है अनलॉक स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फिर वहीं पे इनकमिंग कॉल का, फिर इवेंट रिमाइंडर का यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, अलार्म को आप सेट कर सकते हैं। ऐप अलर्ट में आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन अलर्ट में मैंने जो है व्हाट्सअप, फेसबुक, जीमेल, ट्विटर को जो है वो कर रखा है, तो यहाँ पे इन सब के जो अलर्ट्स हैं मुझे मिलते रहते हैं। साथ में आइडियल अलर्ट है यहाँ पे, तो यही एक चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आप आइडियल अलर्ट अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं। वहीं पे मोर में जाते हैं तो मोर में आपको जो है इनकमिंग SMS का ऑन कर रखा है मैंने, फिर वाइब्रेट व्हेन अलार्म साउंड है, फिर गोल नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। बैक जाइए तो बैक में जो है यहाँ पे आपको फाइंड बैंड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहीं पे आपको जो है डिस्कवरेबल का ऑप्शन मिलेगा, बैंड लोकेशन है यानी कि आपको लेफ्ट में बांधना है या राइट में बांधना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे लिफ्ट रिस्ट व्यू इन्फो भी आपको दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं टाइमिंग को कितने बजे से कितने बजे तक का ये ऑप्शन जो है वो काम करेगा। फिर उसके बाद में नाइट मोड दिया गया है, फाइंड फोन रिंगटोन दिया गया है, रन इन बैकग्राउंड दिया गया है, फिर आपको डिस्प्ले सेटिंग दिया गया है, वेदर सेटिंग दिया गया है, पेयरिंग रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, साथ में जो है फर्मवेयर वर्जन, ब्लूटूथ वगैरह इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर में यही सारा का सारा जो है डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने जो है स्मार्ट बैंड के फीचर्स के बारे में कि इसके अंदर में हमें और क्या क्या देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो इसको जैसे ही आप इस तरीके से टैप करेंगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे वॉच फेस आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप चाहे ऊपर से नीचे कीजिए, चाहे नीचे से आप ऊपर कीजिए, आपको एक ही फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेफ्ट राइट का ऑप्शन में जो है यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको काम करते हुए दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे जैसे करता हूँ तो आपको मोर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है साइलेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहीं पे आप जो है फाइंड डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, फिर वहीं पे आपको जो है स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इसको मैं प्रेस करता हूँ इस तरीके से तो आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, एक स्क्रीन ये है, एक ये है और एक ये है, टोटल आपको 3 स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं पे आप जो है फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाता है, साथ के साथ में जो है आप इधर जाएंगे तो अबाउट का ऑप्शन आएगा, अबाउट में जो है आपको ये दिखा देगा कि आपका मतलब क्या क्या है, कैसा है वो सब कुछ। तो यहाँ पे जो है यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर एक बार ऊपर से नीचे करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे जो है टाइमर यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, फिर आपको नोटिफिकेशन वगैरह है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप जाते हैं तो नोटिफिकेशन में जो है सब कुछ सारे के सारे जो नोटिफिकेशन मैंने देखे हैं वो टाइमली यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन जो है वो काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। वहीं पे ट्रेडमिल का ऑप्शन मिल जाता है तो आप इसको ट्रेडमिल के ऊपर जो है वो यूज कर सकते हैं। वहीं पे आपको जो है वेदर का फोरकास्ट मिलेगा, जैसे करंट का क्या है, फिर आपका कल का क्या होने वाला है और एक दिन दो दिन बाद का आपका क्या आने वाला है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिर एक बार ऊपर से नीचे करते हैं तो स्टेप्स के बारे में आपको बता देगा, पूरे दिन भर में आपने कितने स्टेप्स वगैरह लिए हैं उसके बारे में आपको दिखा देगा। फिर आप एक बार करते हैं तो आपके स्किन के ऊपर आ जाते हैं, फेस के ऊपर आ जाते हैं। तो यही सारे के सारे जो है आपको फीचर्स इस स्मार्ट बैंड के अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर में ब्लूटूथ 4.2 का जो है वो यूज किया है, जो कि हर बार मुझे ठीक ठाक यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ के साथ में यहाँ पे आपको जो है 5 ATM का जो है आपको वाटर सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि अप टू 50 मीटर तक का जो है पानी के अंदर में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तो ये काफ़ी आपको मदद प्रोवाइड मतलब मदद क्या प्रोवाइड कराएगा, स्विमिंग का तो इसके अंदर में फंक्शन ही नहीं दिया गया है, बट स्विमिंग करते वक्त आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहला कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो है कंपनी को इसके अंदर में हार्ट रेट मॉनिटर देना चाहिए था। हार्ट रेट मॉनिटर ये नहीं है, यानी कि
स्मार्ट वैन नहीं है यार, सीधी सी बात ये बताऊँ आपको। दूसरा, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जो है आपका कार्डियो का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, ट्रैक का जो ऑप्शन आता है वो देखने को मिलेगा। दूसरा कोई स्पोर्ट्स ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, ना ही योगा है, ना ही आपका स्विमिंग का है, ना ही रनिंग का है, ना आउटडोर रनिंग है, ना साइकिलिंग है, कुछ नहीं है। सिर्फ कार्डियो का जो आपका इंडोर कार्डियो है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसके प्राइसिंग को देखा जाए, 1299 के प्राइस को देखा जाए, तो यहाँ पे जो है 1299 के प्राइस पॉइंट में जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे फीचर थोड़े कम दिए गए हैं। मान लो अगर इसके अंदर में आपको हार्ट रेट मॉनिटर नहीं दिया गया है, बट एक दो जो है और फीचर दे देते, रनिंग को ऐड कर देते या साइकिलिंग को ऐड कर देते, कुछ और ऐड कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट फिर भी ठीक ठाक है यहाँ पे। तो यही था इसका जो है वो क्विक रिव्यू। और अगर मैं अपनी बताऊं यहाँ पे, तो अगर आप ब्रांड पे नहीं जाना चाहते, सच बताऊं तो अगर आप ब्रांड पे नहीं जाना चाहते, आपको ब्रांड नहीं चाहिए, तो 1299 के प्राइस पॉइंट पे या इससे नीचे के प्राइस पॉइंट पे आपको मार्केट में कई सारे और भी ब्रांड है, लोकल ब्रांड या जो भी ब्रांड है, वो आपको इससे ज़्यादा फीचर्स आपको अवेलेबल कराते हैं। बट अगर आपको फिर भी जो है उन पे नहीं जाना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि 1299 के प्राइस में जो है ना 500-600 थोड़ा सा और डाल के जो है ना इससे हायर वाला जो मॉडल है वो परचेस कर लीजिए, उसमें आपको थोड़े फीचर्स और आपको देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी आपको ना उतना हायर में जा सकते हैं, ना आपको अनब्रांडेड चाहिए, आपको ब्रांड भी चाहिए, और आपका जो बजट है बस 1300 का 1300 ही है, उससे ऊपर आप जाना नहीं चाहते, तो फिर ठीक है, परचेस कर लीजिए, ठीक ठाक है, काम करेगा आपका। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं तो भूल ही गया, इसका गिव अवे की बात कर रहा था मैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसको जीतना है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि भाई 1299 में भी ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि 15 जनवरी से पहले पहले इसको जो है मैं गिव अवे कर दूं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू करने वाले हैं, अब वक्त क्यों रहा है, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। अरे भैया ठीक था, नहीं एक बार और कर दे। अरे नहीं, बहुत बढ़िया था। एक बार और बट फिर भी ब्लैक कलर एक प्रीमियम कलर है, तो आप अपने इस रिस्ट पे इसको बांधते हैं। रिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।